महंत स्वरूप नाथ जी के कर कमलों से हुआ खुशियों के बैंक का शुभारंभ। मेरा गांव मेरा देश एक सहारा संस्था के द्वारा माजरा में खुशियों के बैंक का शुभारंभ किया गया। आज रविवार के दिन महंत स्वरूप नाथ जी के कर कमलों से इस खुशियों के बैंक का शुभारंभ किया। यह बैंक उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि जरूरतमंद है तथा जिन व्यक्तियों के पास फालतू सामान है जो कि किसी व्यक्ति के काम आ सके। संस्था के अध्यक्ष अनुराग गुप्ता ने बताया कि उन्होंने यह बैंक गरीबों की मदद के लिए खोला है। उन्होंने सभी से अपील की है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास घर में फालतू सामान है जैसे कि कपड़े बर्तन खिलौने किताबें स्कूल ड्रेस इत्यादि वह बैंक में जमा करवा सकते हैं तथा जिस व्यक्ति को इस सामान की जरूरत है वह ले जा सकता है। उन्होंने इस खुशियों के बैंक खोलने के लिए श्री शिव सेवा कांवड़ युवा मंडल व्यापार मंडल माजरा महिला मंडल माजरा ग्राम पंचायत प्रधान व प्रतिनिधि मंडल का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर श्री शिव सेवा कांवड़ युवा मंडल से विवेक गुप्ता नीरज बंसल आदि मौजूद थे। माजरा में खुशियों का बैंक एक कार्य शुरू हुआ है। ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। गरीब लोगों की जरूरत का सामान यहाँ से मिलेगा। हमारी माजरा की जितनी भी संस्थाएं हैं सब ने मिलकर इसमें योगदान दिया है। सब इसमें साथ देने को भरपूर प्रयास करेंगे। जो भी गरीबों के लिए हो सकेगा जरूरतमंदों के लिए हो सकेगा वो सब एकजुट है, सब मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। आज खुशियों का बैंक का शुभारंभ किया गया है। मेरा गांव मेरा देश एक सारा संस्था व माजरा की जो विभिन्न संस्थाएँ हैं जो हमारी श्री शिव सेवा कांवड़ युवा मंडल माजरा महिला मंडल माजरा व्यापार मंडल माजरा और जितनी भी हमारी माजरा की अन्य संस्थाएं हैं उनके सहयोग से आज हमने माजरा में खुशियों के बैंक का एक शुभारंभ किया है, जिसका आज उद्घाटन जो हमारे बाबा जी हैं महंत श्री स्वरूपनाथ जी उनके द्वारा यहाँ पर रिबन काट कर किया है। हम लोगों से यह अपील करना चाहेंगे जो जिसके घर पर कोई फालतू सामान है जैसे कि कपड़े हैं बर्तन हैं दवाइयाँ हैं किताबें हैं स्कूल ड्रेस हैं वो यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। वो अपनी खुशियाँ मतलब हम जैसे कि ये खुशी किसी को हमारे कुछ करने से किसी को खुशी मिले तो यहाँ पर आके वो जमा कर सकते हैं और जिसको जरूरत है उस सामान की वो आके यहाँ पर ले जा सकते हैं। गांव मेरा देश एक सहारा संस्था के द्वारा हम पिछले एक वर्ष से ये कोशिश कर रहे थे कि किसी नए कार्य की शुरुआत की जाए। आज ईश्वर की कृपा से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने ये नए कार्य का शुभारंभ राधा कृष्ण मंदिर के महंत बाबा स्वरूपनाथ जी के द्वारा किया गया। इसमें महिला मंडल व्यापार मंडल ग्राम पंचायत माजरा व समस्त ग्राम का माजरा का पूरा सहयोग है और आने वाले समय में इसमें हम और भी बहुत कुछ करने का विचार कर रहे हैं, जैसे कि रिटायर्ड टीचर के द्वारा गरीब बच्चों को फ्री ट्यूशन देना या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ भी खुशी देने के लिए चाहे हमें किसी भी लेवल पे कुछ भी करना पड़े हम उस खुशी देने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और हम ऐसे भी कार्य करने की सोच रहे हैं कि जैसे कि किसी गरीब कन्या की शादी वगैरह है अगर वो भी हमारी संस्था को कोई मैसेज देगा तो हम संस्था अपनी संस्था के द्वारा उस कार्य को करने के लिए भी पूर्ण सहयोग करेंगे। जय हिंद जय भारत। आज माजरा में मेरा गांव मेरा देश एक सारा संस्था की तरफ से खुशियों का बैंक का शुभारंभ किया गया, जिसमें माजरा के सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ भाग लिया। श्री कांवड़ मंडल व्यापार मंडल महिला मंडल और लोकल जितने भी यहाँ पे गणमान्य लोग हैं वो सब लोग आए और उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से साथ दिया। इसके लिए हम सब मेरा गांव मेरा देश संस्था के सभी सदस्यों की तरफ से मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग आए और उनका सहयोग आने वाले टाइम के लिए मैं उपेक्षित करती हूँ कि वो आने वाले टाइम में भी हमें हमेशा ऐसे साथ देंगे और हमारी संस्था को सहयोग करेंगे। आज हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि माजरा में शिव सेवा कांवड़ मंडल और महिला मंडल माजरा और ग्राम पंचायत माजरा की तरफ से खुशियों का जो बैंक यहाँ पर शुरू किया गया जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र आदि बर्तन आदि का बंटवारा किया जाएगा जो बहुत ही ज़रूरतमंद लोग हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से महिला मंडल माजरा शिव सेवा कांवड़ मंडल माजरा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
इस नेक कार्य जो आज उन्होंने शुरू किया हमारी इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।